हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायर शार्क। अब देखिए, जो वायर शार्क है वो एक नेटवर्क एनालाइजर टूल है। इससे आप पैकेट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, जो नेटवर्क के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं पैकेट्स, वो सब आप इससे एनालाइज कर सकते हैं। और ये ओपन सोर्स टूल है, ये फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि हम इसके अंदर क्या-क्या कर सकते हैं। सो वायरशार्क इज ए नेटवर्क पैकेट एनालाइजर। इसके थ्रू आप जो भी नेटवर्क के अंदर पैकेट्स हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं। वायरशार्क इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन दैट लेट्स यू कैप्चर एंड व्यू डेटा ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ ऑन योर नेटवर्क। जो भी आपका डेटा ट्रेवल हो रहा है, आपके नेटवर्क से जा रहा है या नेटवर्क के अंदर आ रहा है, आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो डेटा है वो काफी डिटेल्ड वे में आपको प्रेजेंट किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें आप पूरा अंदर तक पैकेट को देख सकते हैं कि उसको जा क्या रहा है, वो सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी का है, सब कुछ आप उसके अंदर देख सकते हैं। अब देखिए, ये होम स्क्रीन है वायरशार्क की। जब भी आप वायरशार्क चलाएंगे तो इस तरह से कुछ उसका जीयूआई दिखता है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं वायरशार्क की साइट पे जाके। 32 बिट का, 64 बिट का आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है। तो इसके अंदर जो लॉग हम सेव करते हैं वो .pk फाइल से सेव करते हैं। जो भी टेस्टर्स लोग होंगे उनको पता होगा कि जो डेवलपर्स हैं, जब भी कोई इशू आता है तो वो pkf फाइल मांगते हैं कि आप pkf हमें शेयर कीजिए। और जो IMS वोल्टी के जो सिग्नलिंग होती है या जो भी उसके अंदर पैकेट ट्रांसफर होते हैं, वो वायरशार्क से इजीली आपको पता चल जाते हैं, जो शिप मैसेजेस होते हैं, तो वो आप इसमें ट्रैक कर सकते हो सब कुछ। अब देखिए इसके अंदर ये इसका जीयूआई, ये फाइल एडिट व्यू गो कैप्चर। अब कैप्चर के अंदर जाके आप इंटरफेस पे, जो ये इंटरफेस लिस्ट होती है, वाईफाई, ब्लूटूथ, इथरनेट, आप जो भी लॉग कैप्चर करना चाहते हैं उस इंटरफेस को आप एनेबल कर दीजिए कि उसके ऊपर जो जो पैकेट आ रहा होगा ये उसको कैप्चर कर लेगा और सेव कर लेगा। फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, जो लॉग एनालिसिस के लिए भी काम आता है ये वाला टूल। आप चाहते हैं कि लॉग एनालाइज करना, वो भी आप इससे अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हैं जो प्रीवियसली कैप्चर्ड है। जैसे कि जो डेवलपर्स होते हैं वो डायरेक्ट टेस्टर्स उनको पीके फाइल दे देते हैं, तो उसको डायरेक्ट वो चला लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए दूसरी स्क्रीन है। अब आप इसके अंदर क्या है, फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ रही है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल लेंथ, सब कुछ आता है इसके अंदर। अब देखिए इसमें लिखा IP.ADDR = IP एड्रेस। जब भी आप इस फील्ड के अंदर, जो फिल्टर वाली फील्ड है, इसके अंदर आप कुछ भी अगर लिख रहे हैं, अगर वो ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब आप सही लिख रहे हैं, आपने जो फिल्टर लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। अब इसने क्या करा, जो भी इस आईपी से पैकेट आ रहा है सोर्स आईपी से, उसने उसको खाली वो मैसेजेस आपको दिखा दिए और उसकी डिटेल दिखा दी। आप एक एक मैसेज के अंदर अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे फ्रेम्स, इथरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, अगर वर्जन 6 होता तो यहाँ होता इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, नेट बायोस, नेम सर्विस, और नीचे ये हेक्स वैल्यू होती है। तो इसके अंदर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितने पैकेट्स आ रहे हैं, कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, उनका फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, उनका आईपी एड्रेस क्या है, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आपको फिल्टर लगाने हैं वो सब इस वाले फील्ड में आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो ये था फिल्टर बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। आप आईपी एड्रेस के बेस पे फिल्टर लगा सकते हैं। अब है फिल्टर बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर क्या है, एक और तरीका है। जैसे कि यहाँ पे प्रोटोकॉल आ रहे हैं तो आप कोई से ही प्रोटोकॉल पे लगा सकते हैं। सिप हो गया, HTTP, TCP, UDP, RRC, सारे लेयर्स के प्रोटोकॉल आप, ये वायरशार्क बहुत सारे प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, ये कैप्चर कर सकता है। इसकी कैपेबिलिटी है उन प्रोटोकॉल्स को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की। तो ये काफी पावरफुल टूल है। और आप देखिए यहाँ पे DNS डाला तो ये ग्रीन हो गया। अब जैसे ही आप एंटर मारेंगे, सारे DNS के जो जो प्रोटोकॉल के पैकेट्स होंगे
वो सारे आपको पता चल जाएंगे, उनकी टाइम स्टैम्प क्या है, उसकी सोर्स डेस्टिनेशन लेंथ कितना बड़ा पैकेट है, कितना उसमें डेटा है, सब कुछ आप एंड टू एंड इसमें पता लगा सकते हैं। तो आप ये जोन से मैसेज पे क्लिक करेंगे, उसका नीचे ये खुल के आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, फ्रेम, इथरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, सब कुछ आपको डिटेल में। आप देखिए हमने डीएनएस का लगाया, तो यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम आ गया, इसके अंदर आप वो डिटेल में जाएंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो इस टूल की हेल्प से आप लॉग्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, जो भी पैकेट्स जैसे इंटरनेट के ऊपर जितने भी पैकेट्स हैं सबको कैप्चर करके आप उसको स्टडी कर सकते हैं। इसे स्निफर भी बोलते हैं कुछ लोग, मतलब ये स्निफ कर लेता है पैकेट को। जो हैकर होते हैं या जो भी डेवलपर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, वो इस टूल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। तो आप इस टूल के ऊपर काफी डेटा अवेलेबल है गूगल के ऊपर, आप जाके थोड़ा सा उसको स्टडी कीजिए, इसे डाउनलोड करके इसे यूज करना है स्टार्ट कीजिए। फिल्टर लगाना, कैसे पैकेट को देखना है, उसको कैसे एनालाइज करना है, तो वो सब आप स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।